केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और इस कहावत को चरितार्थ किया। सिलक्यारा टनल हादसे में 12 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले तमाम एजेंसियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ITBP और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम जो लगातार 24 घंटे रेस्क्यू में जुटी हुई है और साथ ही उन 41 मजदूरों की भी जो 12 दिनों से टनल के अंदर अपनी जिंदगी और मौत से डटकर सामना कर रहे हैं। जी हाँ, अब जल्द ही पहाड़ की सीना चीर कर 41 जिंदगियां आखिरकार बाहर आने वाली है। सिलक्यारा सुरंग में अब हलचल बढ़ गई है। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और बेड की तैयारी देखकर उम्मीद जताई जा रही है जल्द 41 श्रमिकों को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ के 10 से 12 जवान रस्सी, स्ट्रक्चर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर टनल के अंदर गए हैं। इससे साफ है कि जल्द ही रेस्क्यू को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया जाएगा और अंदर फंसे मजदूर बाहर आ जाएंगे। बाहर निकलने के बाद तुरंत ही सभी मजदूरों को सीधे चिन्याली सौड़ ले जाया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। एनडीआरएफ ने भी बचाव की ब्रीफिंग शुरू कर दी है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को एनडीआरएफ के जवान ही टनल से बाहर निकालेंगे। बताया जा रहा है कि 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब केवल 12 मीटर ड्रिलिंग का काम बाकी है, जिस पर काम जारी है। उत्तरकाशी टनल के बाहर प्राथमिक उपचार की भी तैयारी तेज कर दी गई है। टनल के बाहर अस्थायी अस्पताल तैयार हैं। श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके एम्स ले जाया जा सकता है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भी 45 बेड अलग से रिजर्व कर दिए गए हैं। सुरंग स्थल के पास एम्बुलेंस भी तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं, जहां वो उस पल के साक्षी बनेंगे जब 41 मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के स्थलीय निरीक्षण के लिए उत्तरकाशी पहुंच रहा हूं। वहीं अभी से ही हेलीपैड पर 41 एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया और सभी एम्बुलेंस पर डॉक्टरों की एक टीम मौजूद है। लेकिन इस बात को अगर गंभीरता से देखा जाए, ये इकोलॉजिकल फेलियर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन फेलियर है, क्योंकि सुरंगें हमेशा से बनती रही हैं और देहरादून दिल्ली के मार्ग में ही 100 साल पुरानी से लेकर और 2 साल पहले भी बनी हुई सुरंगें आज भी उसी तरह मजबूत हैं। सबसे बड़ा कारण इस फेलियर का यह है कि कंस्ट्रक्शन करते समय इन बातों को टनल में ध्यान में रखा जाता है कि उसके साथ ही पैरेलल इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुविधाएं पैदा की जाती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं थी। अब हालात यह है कि 8 दिन लगातार एक कोशिश होने के बावजूद भी सब कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है और तमाम तरह के देश विदेश के एक्सपर्ट इसमें जूझे पड़े हैं कि किस तरह से उन 41 की जान बचाई जाए, जो मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे बड़े सवाल हैं कि आने वाले समय में जितनी भी सुरंगें बन रही हैं उनमें तकनीकी विशेषता पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में जो भी कोशिशें अभी की जा रही हैं उनमें रिस्क उतना नहीं है जितना समय का बड़ा स्वभाव है, लेकिन जो अंदर बसे लोग हैं उनकी चिंता ज़्यादा इसलिए बड़ी है कि इतने लंबे समय से वे मानसिक रूप से निश्चित पीड़ित तो होंगे ही, लेकिन प्रभु की कृपा यह है कि उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें उन तक पहुँच रही हैं, ये सबसे बड़ी कहीं सफलता है। पर अब जो आने वाले समय में सोचना ही होगा कि हम इस तरह के कार्यों में विज्ञान तकनीकी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दें, और शायद यही एक हमारे बीच की सबसे बड़ी कमी भी है और पहाड़ और हिमालय की भी है कि हम बेहतर तरीके से संगठित विज्ञान तकनीकी को लेकर नहीं हैं, वरना हम इससे मुक्त हो सकते थे। लेकिन आज 10वां दिन 8वां 9वां दिन भी हो गया, हम उनको अभी तक सुरक्षित रूप से बाहर नहीं ला सके, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम तो हमेशा प्रार्थना यही करेंगे कि वे सुरक्षित वापस आएं, और उनके अनुभवों को हमारे लिए वो सबसे बड़ी शिक्षा भी होगी, सरकार के लिए भी शिक्षा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जब ये सुरंग बन रही होगी उस समय इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दिया गया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए
पीछे उतने ही सुरक्षित होते चले जाते तो शायद हम इस घटने के शिकार नहीं होते। ये एक कंस्ट्रक्शन फेल्योर है, पर आने वाले समय में इससे शिक्षा लेंगे। एक दूसरी बड़ी महत्व बात यह है कि जो भी रास्ते अब नए तैयार किए जा रहे हैं वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से ही हैं, तो जो कुछ भी होगा वो मेरी दृष्टिकोण से सुरक्षित होगा और हम ऐसी ही प्रार्थना भी करते हैं। क्योंकि मजदूरों की संख्या 41 है, इसलिए एम्बुलेंस भी 41 ही मंगवाई गई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही मजदूरों को टनल से रेस्क्यू कर बाहर लाया जाएगा, उस वक्त आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। बता दें कि सभी 41 मजदूर दिवाली के दिन से ही टनल में फंसे थे, जिसके चलते उनकी और उनके परिवार साथ ही रेस्क्यू में जुटी टीमों की दिवाली नहीं मनी थी, जिसको देखते हुए आज सफल रेस्क्यू होने पर बाहर दिवाली मनाए जाने की संभावना है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।